हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयरावसा। आज का हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है स्पिरिचुअल विजडम, यानी कि हम जो भी इम्प्लीमेंट्स करते हैं वो सही ज्ञान और सही नॉलेज के साथ करना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज क्लेरिफिकेशंस में नहीं आएगी तो आपका काम नहीं होगा। तो आज के स्पिरिचुअल टॉपिक के अंदर आपके पास दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो सही ज्ञान और सही नॉलेज के साथ उसको इम्प्लीमेंट यानी कि अप्लाई कैसे करना, वो चीज आपको आनी जरूरी है। वो चीज आएगी तभी आपका काम बनता जाएगा, यानी कि आप सक्सेस के लेवल पर आते जाएंगे। मेन थिंग्स पांच चीजों में मैंने कन्वर्ट की है, मैंने इतने 15 सालों का एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि देखो, आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो, नया जॉब शुरू करते हो या नया कोई भी काम शुरू करते हो, तो आपको सही नॉलेज पहले गेन करना पड़ेगा। उस चीज को धीरे 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 करके जैसे जैसे आपका रास्ता बनता जाएगा वैसे वैसे आप इसमें इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। ठीक चीज वही आध्यात्मिक चीजों में, तो हमारे के अंदर उतनी समझ बैठना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि हम रातों रात उस चीज को पा नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम हीलिंग सीख के या मेडिटेशन सीख के या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सीख के तुरंत हमें इनलाइटमेंट या कोई भी ज्ञान हासिल होके हमारे अंदर सिक्स सेंस क्यों डेवलप नहीं हो जाती, हमारे अंदर वो क्यों नहीं हो जाता। लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये कोई चुटकी बजाते ही हो जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। अगर आप कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति को ऐसा करते हुए देख रहे हो तो उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, बहुत एफर्ट्स और टाइम उसने दिए हैं, तब जाके वो लेवल पर वो व्यक्ति पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो मुझे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर, आप इतने लेवल पर इतनी फटाफट सारी चीजें कैसे मैनेज कर सकते हो, इतने सारे काम कैसे क्लैरिफिकेशंस के साथ कर सकते हो सही तरीके से, और इतने लंबी टीम को, सही मैनेजमेंट को, और अपने अंदर के ऊर्जा को कैसे जागरूक कर सकते हो, चक्रस को, ऑरा को, एनर्जी को। तो उसकी एक ही चीज है, आपका सही नॉलेज के साथ साथ आपको एक सही मेंटर भी मिलने बहुत जरूरी है। जब मैंने 16-17 साल का था तब मैंने बहुत स्पेशल मेंटर्स मैंने फाइंड किए थे जिसमें इस चीज में एक्सपर्टाइज हो। तो आपको सबसे पहले उस लेवल पर जो सही मेंटर्स की मदद लेनी बहुत जरूरी है, आपके वो रोल मॉडल, आपके वो गुरु जो भी आप मानते हो उनके शिष्य बनना बहुत जरूरी है। उनके साथ सही नॉलेज लेने के बाद उनके कहे मुताबिक प्रॉपर तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट करते जाना है विदाउट एनी फेल, और फेथ के साथ करना है। ठीक है, फेथ के साथ करते जाओ, और जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपके अंदर फेथ होगा, अपने अंदर पूरा ट्रस्ट होगा, आपकी जो विद्या है उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, आपका काम होता जाएगा। तो रेकी हीलिंग में या फिर आप कोई भी चक्रस बैलेंसिंग की प्रोसेस सीख रहे हो या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मेडिटेशन सीख रहे हो या कोई भी अलग अलग प्रकार की मॉडलिटी सीख भी रहे हो, उसमें आपको लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है और रोज के रूटीन में लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक लेवल पर पहुंच गए फिर आज के टाइम पर लोगों पेशेंस की बहुत कमी होती है। ये तीसरा ट्रेंडिंग मेन चीज है कि पेशेंस की कमी नहीं होने के बाद ये सारी चीजें कंटिन्यू नहीं रख पाते। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग रेकी फर्स्ट लेवल में भी आते हैं तो उसमें 21 डेज की छोटी सी प्रोसीजर करनी होती है, एक घंटा सवा एक घंटा, वो भी नहीं कर पाते। वो केवल आपके लिए होती है, दूसरे के लिए तो करनी होती नहीं, अपने खुद के फायदे के लिए, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो भी व्यक्ति कोई ना कोई बहाने के लिए या कोई भी अदर काम में जरूर हम रोज मोबाइल में 2-3 घंटा नॉर्मली वेस्ट कर लेते हैं अदर अदर सारी चीजें देखने के लिए, राइट। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बहानेबाजी बना रहे हो, तो आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा हो सकता है, राइट। बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, तो एक चीज अपने माइंड में से निकाल दीजिए कि एक कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी तभी आपका काम होगा। तो मेन थिंग्स एक ही चीज पर ध्यान दीजिए, लगातार सही नॉलेज, सही विजडम यानी कि सही लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना, सही गुरु के पास जाना और उसको कंटिन्यूसली लगातार आगे बढ़ते जाना, और अपने अंदर वो चेंज आए उसके बाद आगे के लिए इम्प्लीमेंट करते जाना। ये चार चीजें से लेके पांचवा लास्ट स्टेप है कि आपको आगे बढ़ने के बाद रुकना नहीं है, आपको उस लेवल तक आगे बढ़ने के बाद कंटिन्यूसली उसके लेवल पर काम करते जाना है। जैसे कि आपने कोई भी मेडिटेशन प्रोसेस की तो वो एंडलेस चीज है, यानी कि आप जब तक इस दुनिया में है तब तक ये चीज आपके अंदर चलती जाएगी, यानी कि आध्यात्मिकता को जो दिया है वो आपके अंदर जलता होना जरूरी है। क्योंकि आज यही सक्सेस की सीढ़ी है कि कोई भी बिजनेस शुरू करे या कोई भी काम कर रहे हो उसके ऊपर जो भी एक्सपीरियंस होता है वो अप्लाई अपने ऊपर करते जाना है, इम्प्लीमेंट करते जाना है। इम्प्लीमेंट होता जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपने ऊपर अपने आगे की गाड़ी होती जाएगी। तो आध्यात्मिकता में आपके गुरु का साथ,
फिर धीरे धीरे आप खुद ही अपने गुरु बनते जाएंगे और आपको यूनिवर्स के द्वारा सही नॉलेज और सही पावर्स मिलती जाएगी। और कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है, कोई भी काम में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका काम कोई काम का नहीं रहेगा, कोई भी आपको सही तरीके से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आप रेकी हीलिंग कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, लामा फेरा कर रहे हो, एंजल थेरेपी कर रहे हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एवरीथिंग, ये सारी चीजों में कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी है और सही कंसिस्टेंसी और सही नॉलेज होना जरूरी है। और उसी के द्वारा स्मार्टली आप आगे बढ़ते जाओगे, उसी के द्वारा आपका सिक्स सेंस बढ़ेगा, आपका माइंड इतना शार्प बनेगा और आप उसके द्वारा आपकी सही एनर्जी काम में आएगी और आप बाकी सारे अधर अधर रास्तों से हटकर आपका जो रियल ट्रूथ बनेगा, रियल वे बनेगा, उसको आपको अंदर से क्लैरिफाई मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि सबकी लाइफ सेम जैसी नहीं होती, सबके परिस्थिति के हिसाब से सही एनर्जी को पहचानना बहुत जरूरी है। कोई हवा से उस जगह पर जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है या कोई अदर अदर मार्ग के द्वारा पहुंचता है उस जगह पर जाना जरूरी है और कंसिस्टेंटली होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ लीजिए, अगर आपको आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में, ये चीजों का अप्लाई कीजिए, आपका काम होता जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, होप सो आपको बहुत ही मजा आया होगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी लाइब्रेरी है, बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज दिया गया है, उसको देखिए, समझिए और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।